अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल्लाह सिद्दीकी। आज के बड़े से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। नाजायज इसराइल गजा और इकदार में जमीनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसराइली हमलों में 724 बच्चों समेत शहदा की तादाद 2329 तक जा पहुंची। गजा और दीगर अस्पताल जख्मियों से भर गए। कम सिन बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर। गजा सिटी में अद्वियात की कमी, बुनियादी सहूलतें भी हो रही हैं खत्म। गाजा के बाशिंदों को जुनूब से इंतला की इजाजत। इसराइली फौज का बयान, मुकम्मल मुहासरा कर लिया गया। खान यूनिस में इतवार के रोज भी बमबारी। मुतासरीन ने कहा कई घंटे गुजरने के बाद भी लवाहकीन को मलबे से नहीं निकाला गया। एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी अरब के वजीर खारजा से मुलाकात। सऊदी अरब ने फलस्तीनी आवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। रूस ने अक़वामे मुत्तहिदा से जंगबंदी की अपील। इसराइल गजा से हमास का खात्मा करते हुए गजा सिटी को अक़वामे मुत्तहिदा के किसी इदारे की करेगा हवाले। और तेलंगाना में बीआरएस का मंशूर जारी। बीपीएल फैमिली को 400 रुपये में सिलेंडर मुहैया करने। 93 लाख बीपीएल खानदानों को 5 लाख रुपये इंश्योरेंस स्कीम और दीगर मदद का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नाजायज इसराइल अपने नापाक मंसूबों पर अमल करते हुए ज़मीनी फौज को लुबनान और गाजा सरहद के करीब तैनात कर चुका है, जिसमें हज़ारों टैंक शामिल हैं। इसराइल अब ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर सकता है, जबकि गजा में मुसलसल बमबारी जारी है। इसराइल की जानिब से शुमाली गजा के 1.1 मिलियन रिहायशियों को ज़मीनी कार्रवाई के दौरान जनूब की तरफ नकल मकानी करने के हुक्म के बाद दसियों हज़ार फलस्तीनी बेघर हो गए हैं। इसराइली फिजाई हमलों में 724 बच्चों समेत कम अज़ कम 2329 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास के फौजी ऑपरेशन में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 है, जिनमें 286 फौजी भी शामिल हैं। इसराइली फौज का कहना है कि वो लुबनान में हिजबुल्ला के जंगजुओं के मिज़ाइल हमले के बाद इसकी सरजमीन में एक शख्स की हलाकत के बाद अहदाफ को निशाना बना रही है। वाज़ेह है कि अमेरिका इस जंग में इसराइल का पूरा साथ दे रहा है और इसका एक बहरी जहाज बहर रूम से होता हुआ इसराइल पहुंच गया है। गाजा में इतवार के रोज भी इसराइल की जानिब से हवाई हमले जारी रहे, जिसमें दर्जनों घरों को मसमार कर दिया गया। सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कई हलाकतें हुई हैं। गजा शहर में हॉस्पिटल जख्मियों से भर गए हैं। यहाँ अद्वियात की कमी है। कई कम सिन बच्चे शदीद जख्मी हालत में हैं।
इनके वालिदैन का कोई पता नहीं और ये कमसिन बच्चे जख्मों की ताब नहीं ला रहे हैं। गजा सिटी में अद्वियात की कमी है, पानी और बुनियादी सहूलतें ख़त्म हो चुकी हैं। इसराइल की जानिब से अस्पतालों पर भी बमबारी जारी है। गजा का अलशिफा हॉस्पिटल लाशों से भर चुका है और ज़ख्मियों के लिए अब यहाँ कोई जगह बाकी नहीं रही। इसराइल और फ़लस्तीन की इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास के दरमियान जारी तनाज़े के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले अफराद महसूर गाज़ा की पट्टी के अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के तनाज़ुर में इसराइल ने गाज़ा के साथ अपनी 2 सरहदी गुजरगाहें बंद कर दीं और इलाके को मुकम्मल इसका मुहासरा कर लिया, जिससे ईंधन, बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी गई। जैसे जैसे ज़ख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है, आलमी इदारे सेहत ने गाज़ा की पट्टी तक फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रसाई का मुतालबा किया है। खबरदार किया गया है कि इसराइल की नाकाबंदी और बमबारी ने साहिली एंक्लेव के सेहत के निज़ाम को ब्रेकिंग पॉइंट पर छोड़ दिया है। وصلت إلينا إلى المستشفى عبارة عن مجازر بالعشرات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى. هذا المستشفى الذي وصل إليه هذه الحالات أكثر بكثير من عدد الأسرة الموجودة في قسم الاستقبال، مما اضطرت الطواقم الطبية للعمل في الممرات في ساحات المستشفى في على الأرضيات، وهذا أمر خطير جدا. इसराइली फ़ौज ने इतवार को कहा है कि वो गज़ा के बाशिंदों को जनूब से इनखला की इजाज़त जारी रखेगी और लाखों अफराद पहले ही मुंतकिल हो चुके हैं, क्योंकि इसके फ़ौजी हमास के ज़ेर कंट्रोल गज़ा की पट्टी पर गैर मामूली हमलों के जवाब में ज़मीनी हमले के लिए तैयार है। इसराइल ने गज़ा को अब तक की सबसे शदीद बमबारी का निशाना बनाते हुए जवाब दिया है। इस छोटे से एंक्लेव को, जो 2.3 मिलियन फ़लस्तीनियों का घर है, को मुकम्मल मुहासरे में ले लिया गया है और इसके बुनियादी ढांचे का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है। उधर गजा के खान यूनिस में इसराइल की मुसलसल बमबारी में कई मकान तबाह हो गए हैं। यहाँ के एक मुकामी मोहम्मद अबू का कहना है कि इसराइल की वहशियाना बमबारी में उनका पूरा मकान तबाह हो गया और अभी तक उनके अफराद ख़ानदान को मलबे से निकाला नहीं गया, जिनके ज़िंदा बचने के कोई आसार नहीं हैं। खान यूनुस हमेशा से इसराइल के निशाने पर रहा है। मोहम्मद अबू मुसलसल अपनी फैमिली को मलबे से निकालने की गुजारिश करते नज़र आए। इन्होंने कहा है कि मैंने अपने बेटे, अपने कज़न और पूरे ख़ानदान को खो दिया, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। ये तमाम लोग घर पर थे, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। उनका कहना था कि हिटलर ने यहूदियों को मारा था, मगर इसराइल हमें सुबह शाम ख़त्म कर रहा है। इन्होंने कहा है कि 70 सालों से हम और हमारे ख़ानदान जद्दोजहद कर रहे हैं। فقدت ابني وفقدت ابن عمي وفقدت ابن عمي وفقدت كل شيء. انا فقدت 15 نفر، انا هذول كلهم صبيان لا مسكون مع الجبهه ولا لهم من بيت ولا منهم غير من قريب، في بيوتنا قاعدين في بيوتنا ما سوينا حاجه. الناس لها 3 ايام تحت الارض وتحت الارض، ايش سوينا احنا؟ والله ما سوى هتلر في اليهود، احنا ايش سوينا لهم؟ احنا بيظلمونا الصبح بيظلمونا اخر النهار وكل يوم وكل يوم، 70 سنه احنا بنطفي الدم عندهم احنا واهالينا. كنا لو بيجي صاروخ
منزلي أنا في خمس تنفار ست تنفار، طلعنا اثنين والباقي تحت الأنقاض، مش لاقيين باقر، مش لاقيين معدات نفحر عليهم ونطلعها، يعني لو كيش أنا ما إحنا بنقدرش نشيل بطون، يعني دولة لو كيش تحت الأرض. नाजायज़ व ज़ालिम इसराइल ने गज़ा के शुमाल में वाक़े कमाल एडवान हॉस्पिटल के डॉक्टरों को इनखला का हुक्म दिया है, लेकिन दर्जनों नौजायद बच्चों को डॉक्टरों ने छोड़ने से इनकार कर दिया। जो आईसीयू में दाखिल किए गए हैं शेरख्वार बच्चों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर हुसाम अबू सफिया ने कहा है कि इस अस्पताल से डॉक्टरों को इनखला का हुक्म देना या फिर यहाँ से बच्चों को निकालना ऐसा होगा जैसे कि कम सिन बच्चों को सजाए मौत दी जा रही हो। इन्होंने कहा है कि आईसीयू में कमसिन बच्चे वेंटिलेटर पर हैं जिनका इलाज चल रहा है। 8 रोज़ कबल हमास के हमले में इसराइल में 1300 अफराद की हलाकत के जवाब में इसराइली जेट तैयारों और तोपखाने ने गाज़ा को अब तक की सबसे शदीद बमबारी का निशाना बनाया। फलस्तीनी वजारत सेहत ने इतवार की सुबह कहा कि गाज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 300 अफराद जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं हलाक और 800 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। هذا القسم بيتكون من 6 أصيدة زي ما انتم شايفين كل الأصيدة مليئة يعني نسبة الإشغال عندي أنا تقريبا 100% ما عدا غرفة العزل زي ما انتم شايفين هي حالات كلهيتها متنوعة حالات أطفال طبعا حالات كلهيتها زي ما انتم شايفين حالات تعتمد على هذا الجهاز هذا عمل جنوني لا يمكن ولا بالعقل البشري أن نقوم بإخلاء هؤلاء الأطفال المعتمدين اعتماد كلي على أجهزة وعلى طاقم अस्करत पसंद ग्रुप और इसराइली तिब्बी माहरीन ने बताया कि इतवार को लुबनानी हिजबुल्ला के जंगजुओं की जानिब से इसराइल के शुमाल सरहदी गांव पर मिज़ाइल दागे जाने के बाद इसराइली तोपखाने ने लुबनान पर गोलाबारी की। तिब्बी माहरीन ने इब्तदाई तौर पर कहा है था कि शतोला पर हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई में लुबनान में हमला कर रहा है और इसने लुबनानी सरहद के 4 किलोमीटर 2 मील के अंदर एक जोन का ऐलान किया है जो अवाम की रसाई के लिए महदूद है। 3 सेक्रेटरीज राय ने रॉयटर्स को तस्दीक की कि इसराइली तोपखाना जनूब में कई इलाकों पर हमला में मसरूफ है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने रियाज में अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात में सऊदी अरब की तरफ से गाज़ा से फ़लस्तीनी आवाम की जबरी नकल मकानी के मुतालबे को दुटों को अल्फाज में मुस्तरद करने और शहरियों को किसी भी शक्ल में निशाना बनाने की मजम्मत का अदा किया है। इन्होंने इंसानी अलमिये को रूनुमा होने से रोकने के लिए गाज़ा और दीगर इलाकों में फौरी जंगबंदी गाज़ा की पट्टी का मुहासरा ख़त्म करने खुराक और अदविया जैसी फौरी इंसानी इमदाद की फरहमी यकीनी बनाने के लिए काम करने शहरियों के खिलाफ तशद्दुद और हर किस्म की फौजी कशीदगी को रोकने के हवाले से तेज़ी से इज्तिमाई कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया। शहज़ादा फैसल ने गाज़ा की पट्टी में बढ़ते हुए तशद्दुद के सिलसिले को रोकने के लिए इज्तिमाई कोशिशों के लिए ममलिकत के मुतालबात की तजदीद की है। इन्होंने कहा है कि इंसानी इमदाद के दाखिले की इजाज़त देने के लिए गजा में जंगबंदी का निफास ज़रूरी है। उधर रूस ने मशरक वस्ता में पैदा होने वाली जंगी सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराते हुए अपील की है कि फौरी तौर पर गजा और इसराइल में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी करने की अपील की है। रूस की तरफ से ये अपील अक़्वाम मुत्तहदा में रूस के सफ़ीर की तरफ से सामने आई है। इस सिलसिले में रूसी मुसवदा अपील सलामती कौंसिल में पेश की गई। इसमें फौरी जंगबंदी और मगवियान की रिहाई का मुतालबा किया गया। रूसी मुसवदे में दहशतगर्दी के तमाम तर इकदाम और सिविलियंस पर हमलों की मजम्मत की गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है। सदर मजलिस ने हैदराबाद में एक जलसे आम से
खिताब करते हुए कहा है कि ये कौन सा जुल्म है कि तुम निहत्ते फलस्तीनियों को मार रहे हो। अमेरिका फलस्तीनियों को मारने के लिए इसराइल को बेहतरीन से बेहतरीन हथियार फराहम कर रहा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर उनके बयान की सख्त तनकीद की। सदर मजलिस का कहना था कि मुल्क के एक वज़ीर आला ने अहदेदारान को फलस्तीन का नाम लेने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी। सदर मजलिस ने वज़ीर आला को वार्न करते हुए कहा है कि ए चीफ मिनिस्टर, सुन लो, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा कर आया हूँ, मैं फलस्तीनी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। सदर मजलिस का कहना था कि मसला फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि ये इंसानियत का भी मसला है। इसीलिए हमको अपने सीनों में गाजा के आवाम की तकलीफ को महसूस करनी चाहिए। वो जो 500 बच्चे मरे, तकलीफ को महसूस करो, वो तुम्हारी औलाद तो नहीं है, मगर सोचो अगर तुम्हारी औलाद मर जाती। सोचो थोड़ी देर के लिए वो कोविड में जब हम लाशों को उठा उठा कर डर डर कर लेकर जा रहे थे, सोचो थोड़ी देर के लिए, एक साल दो साल नहीं, 70 साल से ये मुजाहिद, ये गयूर कौम अगर पूरी दुनिया में हक की सरबुलंदी के लिए और बातिल की शिकस्त के लिए अगर किसी सरजमीन पर मुबारक रूहों का खून गिराए तो मसले फलस्तीन पे गिरा। मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस के लिए खून बहाया जा रहा है। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बहादुर बच्चों को पैदा किया, जो ज़ायनिस्ट लोगों की गोलियों का निशान बन रहे हैं, जो बमों से उनकी मौत हो रही है। मगर दुनिया ये जान ले कि जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो, मौत से डरने वाले हम नहीं, हम अपने मुकद्दर लिखा कर लाए हैं कि अल्लाह मेरी जिंदगी में लिख चुका है, तुम्हारी जिंदगी में लिख चुका है, मगर सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी गुलामों की तरह गुजारोगे या फिर तुम बहादुरों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारोगे। लोग मुझसे पूछते हैं फोन करके कि असदुद्दीन अवैसी ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लोग तकलीफ महसूस करते हैं और लोग पूछते हैं कि कहां है सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहां है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। अरे तुम अपनी औलाद की क्या तरबियत कर रहे हो, कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब बाप अपनी औलाद के सामने अपनी मां की बेइज्जती करेगा, कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम बेटे के सामने औलाद के सामने अपनी बीवी से गलत बर्ताव करते हो, कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब नौजवान गुनाह करते हैं जिना करते हैं, कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम जिना करते हो, कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम अपने हाथ से अपने भाई का कत्ल करते हो, कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब हमारी बेटियां गुनाह करती हैं, सलाहुद्दीन कैसे पैदा होगा जब तुम नेक बनोगे, जब तुम गुनाहों से दूर रहोगे, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करोगे तमाम चीज और दुनिया से बढ़कर। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदगी में जब तक बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा पर कामयाबी हासिल नहीं किया उसकी पेशानी पर बल रहता था। बास जगह मैंने पढ़ा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब तक फलस्तीन पर कामयाबी हासिल नहीं किया वो मुस्कुराता नहीं था। लोग उससे बोलते थे, सलाहुद्दीन तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो, तुम्हारी पेशानी पर बल क्यों नहीं आता, तो सलाहुद्दीन कहता था कि क़िबले अव्वल हमारा रहा है। 17 साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला बनाया, वो जगह जहां पर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से आसमानों पर अल्लाह का जाकर दीदार करे, उस जगह पर जब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर दे सलाहुद्दीन कैसे मुस्कुराएगा, सलाहुद्दीन के पेशानी से बल कैसे जाएगा जब क़िबले अव्वल मेरे साथ नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, तुम आज आराम से हैदराबाद में बैठे हो, तुम्हारे घरों पर बम नहीं गिर रहे हैं, तुम्हारे भाइयों का कत्ल नहीं हो रहा है,
तुम बेघर नहीं हुए हो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं। और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में ले जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इसराइल ऑक्यूपायर है, इसराइल ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता। बताओ जिसके पास कमजोर है, जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम का साथ दिया जा रहा है, और जिसको बेघर कर दिया गया। आपको मालूम कब मसला पैदा हुआ? 1918 में। इसराइली अपोजिशन लीडर लैपिड ने कहा है कि हमास के बाद गाजा में इसराइल का मंसूबा अभी तक वाज़ह नहीं हुआ है। उनके बयान से इशारा मिला कि अगर हमास का खात्मा हो गया तो इसराइल गाजा को अथॉरिटी अक़वामे मुत्तहिदा के किसी इदारे के हवाले कर देगा। लैपिड के बयान एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इसराइली फौज ने गाजा पर फिजाई, समंदर और ज़मीन से मरबूत हमले समेत ऑपरेशनल मनसूबों के एक सेट पर अमल दरामद के लिए अपनी तैयारी का ऐलान किया है। फौज ने कहा है कि ज़मीनी और टेक्नोलॉजी व लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अब फौजी दस्तों को लड़ाई को वसात देने के लिए तैयार करने के लिए काम कर रहा है। फौज ने कहा है कि फॉरवर्ड लॉजिस्टिक मराकज के क़याम का मकसद जंगी अफवाज को तेज़ी से आगे बढ़ने और ख़ुद को लैस करने की इजाज़त देना है। फौजी तर्जमान ने कहा है कि हालिया दिनों में लड़ाई के लिए ज़रूरी आलात को फोर्सेस की पोजिशनों पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस मरहले पर टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक डिवीज़न के मुख्तलिफ यूनिट जदीद आलात की बहाली का काम मुकम्मल करने के लिए काम कर रहे हैं। देखा गया है कि इसराइली सदर बेंजामिन नेतन्याहू ने फौजियों से मुलाकात भी की है। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में 6.3 शिद्दत का जलजला आया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने कहा है कि हेरात शहर के करीब 6.3 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी गहराई 6.3 किलोमीटर थी। इन्होंने बताया कि हालिया सिलसिले से ताहाल किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इन्होंने मजीद बताया कि ताज़ा तरीन जलजले का मरकज हेरात से 30 किलोमीटर शुमाल मगरब में था, जो ईरान की सरहद के करीब अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। صبح هم که بود، خانه هم که بودم صبح. कांग्रेस ने अगले माह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 229 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। इनमें मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना के 55 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उम्मीदवारों की फहरिस्त पर रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश में पूरी तरह से तैयार हैं। हमने जो फहरिस्त जारी की है इसमें से 65 उम्मीदवारों की उम्र 50 साल से कम है और इनमें 19 खवातीन उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवारों की फहरिस्त पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा है कि ये बहुत मुतवाजन फहरिस्त है, एक मुकम्मल तालमेल बनाया गया है, नए लीडरों और तजुर्बेकार लीडरों के दरमियान मुफाहमत हो गई है, ख्वातीन लीडरान को एक मौका भी मिला है। फहरिस्त में शामिल तीनों रियासतों से मुस्बित आरा सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी MP रघु चड्ढा ने कहा है कि जब अग्निवीर अमृतपाल को बीजेपी हुकूमत ने
फौजी एजाज नहीं दिया तब पंजाब पुलिस ने उन्हें सरकारी एजाज देने का फैसला किया। ये मुल्क फौजियों की वजह से है, सियासी लीडरों की वजह से नहीं। हमने शुरू से कहा था कि अग्निवीर योजना एक खतरनाक तजुर्बा है, इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी। रघु चड्ढा ने कहा है कि अग्निवीर स्कीम को जल्दबाजी में लागू किया गया और शक्कू को शुभात जो अपोजिशन ने उठाया था वो सच साबित हुए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि फौज सिर्फ उन लोगों को शहीद मानती है जो लड़ाई के दौरान अपनी जानें गंवा बैठते हैं। अगर हमारे कुछ फौजी बर्फ में गश्त कर रहे हों और तूफान के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे तो उन्हें शहीद नहीं माना जाता, वो वहां मुल्क के लिए गश्त पर थे। पंजाब हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए की एक्सग्रेशिया की पॉलिसी बना रखी है, अगर कोई 40 डिग्री पर दिल का दौरा पड़ने से मर जाए तो भी इसे शहीद समझा जाए क्योंकि वो वहां मौजूद था। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद हुकुमरान जमात बीआरएस ने इतवार को अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। बीआरएस के मंशूर में आवाम से कई वादे किए गए। मंशूर में बीआरएस ने तमाम अहल खानदानों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा किया। मंशूर में कहा गया है कि पार्टी ऋतुबंधु स्कीम के तहत मिलने वाली रकम को बतदरीज 10,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए सालाना करेगी। मंशूर को जारी करते हुए बीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि माजूर अफराद के लिए समाजी तहफ्फुज की पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपए किया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना में 93 लाख बीपीएल खानदानों को केसीआर इंश्योरेंस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। बीआरएस 10 लाख रुपए फी खानदान ग्रांट की दलित बंधु स्कीम को भी जारी रखेगी। मंशूर के मुताबिक केसीआर आरोग्य रक्षा योजना और आरोग्य श्री भीम योजना की कवरेज 15 लाख रुपए तक इसे बढ़ाएगी। मंशूर में कहा गया है कि हैदराबाद में 1 लाख 2BHK मकानात तामीर किए जाएंगे और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है इनकी निशानदेही करते हुए उन्हें गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत फवायद फराहम किए जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि P20 समिट का अहतमाम इंडियन पार्लियामेंट यूनियन के ताउन से 2018 में किया गया था जो अर्जेंटाइन में मुनक्किद हुआ था। नवी P20 कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा तादाद में मंदुबीन शरीक हुए। बिग बॉस फेम गोरी नागोरी आज राजस्थान की इंचार्ज विनय मिश्रा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। इस सिलसिले में गोरी नागोरी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि नागौर को वो पहचान मिले जिसकी इसमें कमी है, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ हम वो तब्दीली ला सकते हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। नाजायज इसराइल गजा और जुर्दान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसराइली हमलों में 724 बच्चों समेत शहीदों की तादाद 2,329 तक जा पहुंची। गजा और दीगर अस्पताल जख्मियों से भर गए। कम सिंह बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर। गजा सिटी में अद्वियात की कमी, बुनियादी सहूलतें भी हो रही हैं खत्म। गाजा के बाशिंदों को जुनूब से इंखला की इजाजत। इसराइली फौज का बयान, मुकम्मल मुहासरा कर लिया गया। खान यूनिस में इतवार के रोज भी बमबारी। मुतासरीन ने कहा कई घंटे गुजरने के बाद भी लवाहकीन को मलबे से नहीं निकाला गया। टोनी ब्लिंकन की सऊदी अरब के वजीर खारजा से मुलाकात। सऊदी अरब ने फलस्तीनी आवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। रूस ने अक़वामे मुत्तहिदा से जंगबंदी की अपील।
इसराइल गजा से हमास का खात्मा करते हुए गजा सिटी को अक़्वामे मुत्तहिदा के किसी इदारे की करेगा हवाले। और तेलंगाना में PRS का मंशूर जारी, PPL फैमिली को 400 रुपए में सिलेंडर मुहैया करने, 93 लाख PPL खानदानों को 5 लाख रुपए इंश्योरेंस स्कीम और दीगर मराहत का ऐलान। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।